Hey, what's up guys, this is Anuj Panchal and again welcome back to my channel Gate of Guju. So dosto, aaj hum video banane wale hai Pulsar RS 200 ka chain sprocket ke related. So is video mein aapko ye bhi pata chalega ki aapko chain sprocket kab lagana hai aur kyun lagana hai. To chalo ab jaake dekhte ki chain sprocket kis tarah se install. सो दोस्तों अभी हम लोग ने प्रोसीजर चालू कर दिया है. तो अगर आप ये वीडियो पूरा देख रहे हो तो आपको इसके अंदर पता चल जाएगा कि चेन स्पॉकेट किस तरीके से चेंज करना है. सो दोस्तों चेन स्पॉकेट आपको एवरी 20 to 25,000 किलोमीटर में आपको चेंज करना ही पड़ता है. 100 है या NS है या ES है. तो बुद्धी साइड एक एडजस्टमेंट लेयर दिया गया है इस तरीके से. इसमें टोटल 50 पॉइंट्स दिए गए. अगर 50 पॉइंट्स अगर टच कर लेता है तो आपको कुछ भी करके आपको चेन स्पॉकेट आपको चेंज करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी बाइक बेटर परफॉर्म नहीं करेगी. प्लस आपको चेन नॉइज़ भी आएगा. किसी किसी का चेन स्पॉकेट 10,000 to 15,000 किलोमीटर भी आउट ऑफ यूज़ हो जाता है, उसका भी एक रीज़न है. और इसका प्रिकॉशन मैं आपको बताऊंगा आगे कि आपकी 10 to 15,000 में आपका चेन स्पॉकेट आपका आउट ऑफ यूज़ नहीं होगा. एटलीस्ट 20,000 किलोमीटर तो भी आपका चेन स्पॉकेट आप यूज़. और दोस्तों पल्सर RS का चेन स्पॉकेट का जो प्राइस जो है वो अराउंड ₹1,750 है विद दी GST के साथ. पर एक्चुअली चेंज पॉकेट चेंज करना इजी है, बट उसका प्रोसीजर बहुत ही ज़्यादा लेंदी है. दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि आपका सस्पेंस थोड़ा स्टीफ है तो आप यहाँ से उसका एडजस्टमेंट भी कर सकते हो. ओके, तो अभी इशू ये हुआ है कि इसका जो स्विंग आर्म है वो साइलेंसर से अटैचमेंट है, तो उसे अभी हमें रिमूव करना पड़ेगा पूरा साइलेंसर. तो चलो अभी इसका साइलेंसर रिमूव कर देते हैं. तो ये आपका चेन स्पॉकेट रिमूव करने का प्रोसीजर आपके एलॉय व्हील से. सो ये है ओल्ड चेन और ये है न्यू चेन. सो दोस्तों न्यू चेन भी फिक्स कर दिया है और न्यू चेन स्पॉकेट भी आपको उस तरीके से ही फिक्स करना है जिस तरीके से आप हमने ओल्ड चेन स्पॉकेट रिमूव किया. फर्दर प्रोसीजर्स भी आप हम कंटिन्यू करते हैं. So fix your tire with the swing arm. So दोस्तों सारा प्रोसीजर हो चुका है चेन स्पॉकेट चेंज करने का. सो दोस्तों जैसे कि आपको मैंने बताया था कि आपको मैं एक प्रिकॉशन बताऊंगा कि आपका चेन स्पॉकेट जो है आप बिलो 20,000 किलोमीटर के आउट ऑफ यूज़ ना हो. एक सिंपल प्रोसीजर है सिर्फ इसका कि एवरी 500 किलोमीटर के बाद प्लीज़ आपके चेन को प्रॉपरली क्लीन कीजिए और उसे ल्यूब कीजिए, तो आपका चेन कभी भी आउट ऑफ यूज़ नहीं होगा बिलो 20,000 किलोमीटर. सो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ डू लाइक डू शेयर. और हाँ दोस्तों रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर बिना जाना मत. सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.